अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। आज मेरे साथ शकीला बीबी मौजूद हैं, जिनकी 15 साल बेटी के साथ रिश्ते में जो है बच्ची का चचा लगता है, उसने बच्ची के साथ की है। ये सारा वाक्य किस तरह से हुआ है मैं जानती हूँ इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि बच्ची के साथ किस तरह से हुई है? बच्चे मेरे जड़ा मियाँ नाम दे फूफी का मुंडा है, तो जड़ मेरे नान इनका देवर है। ठीक है, तो रिश्तेदारी पिंड आंदा रहा से इतने पहले दफा मेरे नान लड़के आई सू लैन आया से उदो सा घर वेख के गया, उदो पहले उन्हें साड़ा घर नहीं वेख्या है। मैं तो मैरिज मतलब देवर अपनी भाभी को लेने के लिए आया। हाँ, तो मैं ना मैरिज लैन गई से, मेरी तबीयत नहीं ठीक, छोटी बच्ची जोर से गई सी, तो यह बच्ची तो दोवें से मैरिज लैन गए, वीडी बच्ची। तो जब मैरिज लैन गया तो इनके पास ना मोबाइल थी, ना इसने 15 कॉल की, बच्चियों को क्या पता था, तो ना इसके पास मोबाइल था। तो जब मैं आई ना मैरिज लैके गई जरनल, गई जरनल ना उधर ना किसी ने अच्छी तरह चेक नहीं किया मैंने। जनरल हॉस्पिटल गई थी अब दवाई लेने। हाँ जी, उत्थे किसी ने चेक नहीं किया, फिर कबाल डॉक्टर जनरल दे बैक साइड ते मंदे कोल गई मेडिसिन लैन, असीं दोवें मावां तीआं सी। मेडिसिन लैन गई, उहदे कोल टोकन ते दवाई दिंदा है, उत्थे सानूं 8-7 बजे असीं उहदी दुकान ते आए, सानूं 8 वज गए मेडिसिन लैंदिआं नूं। जदों असीं घर आए ते घर आउंदिआं नूं अचानक होइआ पिआ, फिर मैं आके अपने मियां नूं फोन कीती वी इह अपना रिश्तेदार तुहाडा आया सी ते इह कुछ कर गिआ। नहीं तो आपको नहीं पता था कि पीछे जो है आपकी ननद का देवर जो है वो घर में मौजूद है, बच्ची अकेली है? मिलिआ नहीं, शिछो आया 5 बजे आया, तो 4 बजे चलिया गई, तो 5 बजे आया, तो फिर दूसरा मैं आपके मियाँ ने कॉल की, बेंच घर आया तो कुछ कर गया। मेरे मियाँ ने जिन्हें गड्डी चलाना उन्होंने फोन किया, वो फिर घर आए, उन्होंने मौका भी किया, बच्ची की हालत बहुत खराब थी, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाओ ना एम्बुलेंस। तो हूँ उस टाइम जी क्या सिचुएशन थी उस वक्त? उस टाइम इसको पता ही नहीं, होश नहीं थे, आया बड़े हालात डाउन से आते, तो ना चलिया जाता से, तो चक्कर आ डिग पैंती सी, ना कोई चीज़ खाने पीती सी, पानी भी नहीं लंघ रहा से, मुँह से बाहर आ गया पानी भी, तो बहुत ज़्यादा इनकी हालत सीरीयस आया से। फिर हॉस्पिटल लै गया, उन्हें मेडिसिन रिपोर्ट रिपोर्ट करते, सानू 2 बज गए उत्थे, 2 बजे फिर असी कान्हे ठाणे आए, उत्थे सारा कुछ लहाल हो के जो साढ़े सा नाल हो सारा कुछ लहाल हो, तो असं देख के आए घर आई। मैं घर आके बच्चों ने पूछा कि इन्हें क्या भी, मैंने कहना सभा पुत्र मिलना ना तेरी अम्मी किधर गई, मैं क्या मेरी अम्मी अरे दवाई लैन गए ने। आपने अपनी बेटी से पूछा जिसके साथ ये हादसा हुआ? हाँ जी, मैं क्या दूसरे दिन पूछा जो उन्हें होश से, मैं क्या तेरी कहना, मैंने कहना मैं तेरी अम्मी किधर गई, मैं मेरी अम्मी दवाई लैन गई है, आप ही आमना तो दोवें दवाई लैन गई ने। तो कहना सभा पुत्र विकास ने कला मिलना चाह पका दे दुध मंगा के, इन्हें डब्बा दुध मंगा विकास चाह बना, चाह इन्हें बनाई, तो जो छोटे बच्चे से ना थले बह गए टीवी पर, मालक मकाना कर असं किराए पर हाँ, उधर थले बह गए ने, तो इन्हें कहें सभा पुत्र मैं चाह बना दे, इन्हें चाह बनाई है, तो इन्हें कहें मैंने टीवी ला दे, टीवी दर मोड़ नहीं है, टीवी ना वैसे फैला निकल दया ने, USB लगी टीवी, तो थोड़ा टाइम लग गया टीवी लाते लाते, थले वाली भी कुंडी लाया, उतली कुंडी भी लाती, इन्हें बराने की भी कुंडी लाती, इन्हें नहीं पता टीवी के लालच लगी, अंदर आई इन्हें क्या चाचू चाह बनी भी चाह पी लो, तो उतों इन्हें फाड़ के अंदर की। फिर मैं कोई भी नहीं था, अकेली सभा थी बस, छोटे बच्चे है दो और कोई भी नहीं है घर में। हाँ, फिर असं इतने लैके गए। मुलजिम कहाँ का रहने वाला है? वो है पत्तो तो जंबर वाले सेंटर च रह रहे। मतलब जब ये सारा वाकया हो गया तो वो वहाँ चला गया? हाँ, नस गया, पता नहीं किधर गया, नहीं पता कितने गया, नस गया से इतों, बाद फिर साढ़े मालक मकान उत्ते आ गए। और आप बता रही थी कि आपकी ननन जो है वो आपके घर में थी? नहीं नहीं, चली गई सी, उन्हें पहले लाया गया सी ना। अच्छा, उसको लेके पहले चला गया, दोबारा बाद में फिर आया? देखा फिर 8 दिन बाद दवा किया, 8 दिन बाद दोबारा आया। ठीक है, उस दिन वापस नहीं आया? वापस नहीं आया, चला गया 8 दिन बाद, गैर मौजूदगी में घर आया। हाँ जी, असी नहीं सी आया। इस मामले में पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं, पुलिस असी गया से इतने कने, तो पर्चा पुर्चा सारा हो गया, मेडिसिन रिपोर्ट भी हो गई, उन्होंने मिल गई, तो फिर वो गोल्डन टोन वाला ठाणा नहीं है, असी उत्थे उन्हें कहा बच्ची ने उत्थे लैके आओ, फिर इन्हें असी उत्थे लैके गया, मैडम तो पेश हुए, मैंने बच्ची की हालत बड़ी सीरीयस है सी, मैडम ने कहा तुसीं क्यों लैके आए, नहीं सी लैके आना बच्ची की, इन्नी हालत सीरीयस है, मैडम ने कहा बाहर गड्डी तो बहा के आओ, इन्हें गड्डी तो पाया, पानी छट्टे छुट्टे मारे, फिर मैडम ने मैंने पूछा भी बंदा कितों आंदा, मैं उन्होंने दस्सिया बंदे रिश्तेदारी च उत्थे पत्तो वाली भूमिके वाली साइड ते, इन्ना कहा था, तो असं उन्हें कहा तुम जाओ, हम साड़ी टेंशन है। हाँ, असं आ गया। अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ? मुझे कुछ भी नहीं होया, कल उन्होंने जमानत ली, इन्ना पता चलिया सानू, उन्होंने बारो बार जमानत ले ली सी, जमानत ले ली, तो हूँ फिर असं जमानत कैंसल कराती उन्होंने, तो अज तो उन्हें कहा भी पीर वाले दिन ना बच्ची ने फिर लैके आना उत्थे ठाने, तो असं बयान दवाने, बयान लैके नहीं दे, तो फिर असं उन्होंने कार्रवाई करा। बच्ची की क्या उम्र? बच्चे की उम्र तो वैसे अजय कम है, असं ना आई डी कार्ड बनाया भी, माड़े गरीब है अपना टाइम पास पता नहीं किमें करना, तब वो काम करता है, जब बच्ची हैगी वी होते अच्छ, तो दूसरा 3 बच्चिया ने, 6 बच्चे ने, 2 छोटे ने, बच्चिया ने 3,
इनके अबू ने कहा दूसरा चल मैं क्या आप लाहौर चले जाएंगे भी इन्हों की शादी शुदी भी करनी हालात बड़े डाउन आए थे तो मैं क्या इन्होंने ना वापस फैक्ट्री चला देने उम्र तो वैसे इनकी कौन ही है मेरी वड्डी बच्ची दे 18 साल उम्र है अगों उनके तो छोटा मुंडा है अगों तो छोटे अगे तो कम करवाने वास्ते बच्ची की जी उम्र ज्यादा करा के आईडी कार्ड बनाया आईडी कार्ड बनाया उम्र ज्यादा करा हाथ है उम्र कौन उम्र मसे 16 साल 16 15 साल होनी बस कोई काम वगैरह भी करती है बेटी घर का सारा काम करती फैक्ट्री नहीं सज लाया नहीं सज हूँ आईडी कार्ड बनया दो तीन माह होए ने आईडी कार्ड बने तुम रिश्तेदार गल की अपने शोहर ने तुम कह रहे हो कि तुम्हारी ननान तो देवर हो सब को पता है सारे रिश्तेदार सब खानदान को पता है सब कहते हैं तू बैठना नहीं था इसको आपको कह रहे हैं कि बैठना नहीं इसको सजा दिलानी क्या खानदान आपके साथ है जी सब मेरे साथ है मेरा खानदान जड़ा ना मेरे साथ है सब कह रहे इसको ना सजा देनी बैठना नहीं है मुलजिम की क्या उम्र है शादीशुदा है 50-60 साल का है शादीशुदा एक बच्ची है उसकी 50-60 साल का है वो इतनी उम्र है उसकी एक बच्ची हुई एक बच्ची उसकी शादी हुई है क्या कहना चाहेंगे आप अपने इंसाफ के लिए इंसाफ मैंने इंसाफ चाहिए उसको सजा होनी चाहिए बस मेरे बच्चे ने इना जुल्म सलूक किया उसने सर महल सारे कन्न फाड़ा से जो जो उसने किया दिमाग उसके चढ़के लगने लग गए पागल हो गई डॉक्टर ने कहा बहुत ही असर पै गया चीका मारे को चाचू एक दफा मुझे छोड़ दो चाचू एक दफा छोड़ो सभा पुत्र एक दफा एक मिनट सभा पुत्र एक मिनट उस सिचुएशन में जो भी बातें थी वो दिमाग में फ्रीज हो गई हाँ असरा दिमाग में बैठ गया डॉक्टर ने कहा इसको ना ये नहीं टेंशन ना दे आप इसको खुआए पियाए तो इस वे दिमाग में बातें बैठ गई दो घंटे सही रहते हैं फिर इसकी हालत ओसे हो जाती है चीका कुका मारने लग जाती है जो जो सलूक करता रहना वो बच्ची बोल रही छे नाजिन इसी के साथ दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अलहनी के बाद।